टू गवर्नमेंट। सरकार इस बात को मानेगा, बाप मानेगा, उसका बाप मानेगा, मानना पड़ेगा, उसका बाप मानेगा बोल रहा इतना। जहां उधर लड़ाई जो है सड़कों पर किसान लड़ रहा है, आगे किसी तरह से सत्र बुलाया जाता है तो आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? स्टैंड रहेगा, कुछ सुनेंगे नहीं। ये लोग को बिल विड्रॉ करने होगा, बिल विड्रॉ करेगा तो बात सुनेंगे। और कर लिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल हम खड़े हैं सिंगू बॉर्डर पर, जहां किसान प्रोटेस्ट लगातार लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में जो है तमाम किसान जो है हरियाणा पंजाब समेत पूरे देश से आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है वेस्ट बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के यहां पर एमपी पहुंचे हैं। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं स्तोभधि रॉय जो हमारे साथ है, पूर्व में अभिनेत्री रही हैं, उनसे जानेंगे। लगातार जो है प्रोटेस्ट महीने से ज़्यादा होने को है, ऐसे में क्या लगता है या किस स्थिति में जाने वाला है? और आज वेस्ट बंगाल जितना जितने लोगों से बात किया, ये लोग जीत के ही जाएंगे, ऐसा नहीं है आधा करके चले जाएंगे, ऐसा जाने वाला है नहीं। जो भी करे इनके साथ ये लोग जीतेंगे। और इनका इतना यूनिटी है, ये देख लिया, इतना ऑर्गेनाइज्ड है, ये लोग का जीतना चाहिए और जीतेंगे भी। यहाँ पर जो मोदी सरकार है ये कह रही है कि ये पंजाब से कुछ लोग आए हैं, हरियाणा से कुछ लोग आए हैं और कहीं से नहीं है। आप वेस्ट बंगाल से हैं? नहीं, मोदी सरकार को तो वापस लेना चाहिए ना। जो देखिए, अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचते हो, मैं ही वो सोचती हूँ अच्छा नहीं है, तो फिर आप कैसे सोचोगे? इतना किसानों है, इसका एक जनरेशन नहीं, बेटा बाप उसका बाप सब तो ये किसान है, काम ये किसान है। अगर वो लोग सोचे ये गलत है तो आप कौन होते हो इसको सच समझने, ठीक समझने के लिए? आज जो है एक महीना होने को है, तो ऐसे में कुछ किसानों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है, किसी ने खुदकुशी करने का भी यहाँ प्रयास किया गया, ऐसे में क्या कहेंगे? ये तो देखो, सरकार जो भी है अल्टीमेटली इंसान के लिए है, इंसानियत के लिए है, ह्यूमैनिटी ग्राउंड सबसे ज़्यादा है। अब सरकार हो या आम आदमी हो, जब सरकार ये सोचेंगे कि कोई मर रहे, क्यों कोई रो रहे, कोई क्यों घर छोड़ के महीने भर ही मैं ट्रक में रह रहे, तो वो उसका रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा ये सोचने का और उसको सही दिशा पे लेके जाना है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए इन लोग का जो है वापस लेने का बिल, वो वापस लेना, क्योंकि तृणमूल पहले से भी वापस लेने का बात भी किया था। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आप? प्रतिमा मंडल। अच्छा, आप भी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट? तो महीना हो चुका है, ऐसे में जो है ममता बनर्जी हैं आपकी जो मेन नेता हैं, ऐसे में उनका क्या रुख है वहाँ पर, किस तरह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? ममता बनर्जी पहले से जो सिंगूर आंदोलन है ना, वो किसानों के लिए पहले से आंदोलन करते थे। 26 दिन के लिए उन्होंने अनशन भी किया है पश्चिम बंगाल से, वो तो लड़ाई करके करते इतना पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना है। तो वो लोग हम लोगों को, 5 MP को, 3 लोकसभा की सांसद और 2 राज्यसभा की सांसद, उन्होंने हम लोगों को भेजा है यहाँ पे। सभी जो किसान हैं उन लोगों के साथ हम लोग हैं, उनका लड़ाई में हम साथ हैं। पश्चिम बंगाल में हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व से। और आप लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा में दोनों हाउस में हम लोग इसी बिल पे विरोध किया है, और राज्यसभा में 8 मेंबर को उन्होंने बहिष्कार किया है। उनमें हमारा 2 राज्यसभा का मेंबर था डेरेक ओ ब्रायन और दोला सेन, और सभी 8 सांसद के गांधी स्टैचू के पार्लियामेंट के अंदर जो गांधी स्टैचू है वहाँ पे नारे लगाए थे, वहाँ पे धरने में बैठते हम लोग पहले दिन से वो बिल का विरोध करते थे। इंट्रोड्यूस भी हमने विरोध किया और चर्चा में जब भाग लिया सभी लोगों ने विरोध किया। हम लोग ये लड़ाई जो किसानों के लिए है, हम लोग किसानों के साथ है, ममता बनर्जी किसानों के साथ है, और इसलिए हम लोग 2 बार यहाँ पे विजिट किया। पहले आगे कुछ सांसद आए थे, फिर हम लोग आए गए, और कुछ ही किसानों को मांग है जो ममता बनर्जी खुद आए। ममता बनर्जी उन लोगों के साथ टेलीफोन में बात भी किया और ममता बनर्जी बोला ठीक है, अभी तो क्रिसमस हो रहा है तो क्रिसमस के लिए हम यहाँ पे भी हम लोग उन संप्रदाय को भी हम लोग देखना चाहते हैं, फिर हम सोचेंगे अगर हो सकता है, हम सोचेंगे अगर हम
हमारा टाइम परमिट करे तो हम यहाँ पे जरूर आएंगे किसानों के साथ देने के लिए। अभी हाल ही में जो है इलेक्शन भी है वहाँ पर, तो ऐसे में सरकार जो है इसको पॉलिटिकल मुद्दा बता रही है कि वहाँ से जो नेता आ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग मंच पे भी नहीं गए हैं, किसी नेता को भी साथ मैंने नहीं लिया, हम लोग आम जो किसान है उनके साथ बात कर रहे हैं, नो पॉलिटिक्स यार। जी सर, आप आपका नाम? मेरा नाम नदीमुल हक है, मैं राज्यसभा का एमपी हूँ तृणमूल कांग्रेस से। तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं 5 जो आप एमपी यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी क्या लगता है कि जो कलकत्ता तक इस किसान की चिंगारी है वहाँ पर किस तरह की? वहाँ तो जली हुई है चिंगारी। देखिए हमारी दीदी ममता बनर्जी जो हमारी लीडर हैं, उनके दिल में हर किसान के लिए हमदर्दी है। उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि मरकज या केंद्र जो भी कानून पास करे, लेकिन बंगाल में वो कानून को, ये काले कानून को वो लागू होने नहीं देंगे। मोदी सरकार जो है अभी तक किसानों से कोई ऐसी बातचीत नहीं की है, क्या लगता है कि किस तरह का रवैया यहाँ पर मोदी सरकार? देखिए इस टाइप की हर धर्मी डेमोक्रेसी में नहीं होती है, और अगर कोई कर रहा है तो आने वाले वक्त में पब्लिक उसको बता देगी। शुक्रिया। तो हम पूछते हैं जी प्रसन्न जी, तो आपका क्या राय है लगातार इस तरह का जो प्रोटेस्ट चल रहा है एक महीने से ज़्यादा? ये हर जगह बीजेपी, ये लड़ाई बीजेपी मत करो, पंजाब है, बंगाल है, पूरा भारत है, ये मत करो। ये जो 3 महीना चल रहा भारत में पहले ऐसी किसी लोग को परमार लोग लड़ाई किया देखने के लिए, हम लोग साथ में है, कोई घबराइए मत। जहाँ उधर लड़ाई जो है सड़कों पर किसान लड़ रहा है, आगे किसी तरह से सत्र बुलाया जाता है, तो आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? स्टैंड लेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। ये लोग को बिल विड्रॉ करने होगा, बिल विड्रॉ करेगा तो बात सुनेंगे, और नहीं बीजेपी गवर्नमेंट से कुछ सुन ले करें हम लोग को, फालतू गवर्नमेंट। सरकार इस बात को मान मानेगा, बाप मानेगा, उसका बाप मानेगा, मानना पड़ेगा, उसका बाप मानेगा बोल रहा। इतना मजा नहीं, हजार हजार आदमी, हम लोग बंगाल से आते, कोई मराठी आते, कोई हरियाणा आते, सबको एक हो गया हम लोग एकदम। चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लगातार वेस्ट बंगाल से जो है टीएमसी पार्टी से हैं, उनका कहना है कि सरकार को इस बात जो है किसानों की बात मांगनी पड़ेगी, और नहीं तो इसको लेकर के जो प्रोटेस्ट है और लगातार आगे बढ़ेगा, और ऐसे में जो है मोदी सरकार पर उन्होंने कटाक्ष भी किया। ऐसी तमाम घटनाक्रम और ऐसे तमाम जो लीडर हैं, ऐसी इस पर हमारी पैनी नज़र है, और ऐसी आंदोलन की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।